हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितिका एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ मेड बाय डॉक्सप्रो रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड टाइटल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ सेफ्टी हेलमेट फॉर माइनिंग वर्कर्स। तो अभी मैं आपको कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन कराती हूँ। तो यहाँ पे हमने जो लगाया है ये है ESP8266 माइक्रो कंट्रोलर, जो कि एक IoT मॉड्यूल है। एंड साथ में हमने यहाँ पे ये लिथियम आयन बैटरी है, ये रिचार्जेबल बैटरी है जो कि 7 डेज तक प्रोजेक्ट को चार्ज रखेगी। एंड साथ में हमने यहाँ पे LED लगाया है जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट होने पर ग्लो करेंगे। एंड बजर लगाया है, तो बजर का वर्किंग ये है कि यहाँ पे हमने जो MQ सेंसर लगाया है, तो इसका काम ये है कि जो भी माइनिंग्स में हैजार्डस गैसेस होती है ये वो डिटेक्ट करेगा एंड तभी ये बजर बचेगा कि मतलब इन्वायरमेंट ओके नहीं है। तो ये यहाँ पे हमें ये जो हमने ब्लिंक ऐप बनाई है तो इस पर सभी नोटिफिकेशन आएंगे। एंड उसी के साथ हमने यहाँ पे इस हेलमेट में यहाँ पे रीसेट बटन लगाया है, तो ये एक लॉकिंग सिस्टम है, मतलब जो भी वर्कर रहेगा तो ये हेलमेट पहनेगा तो ये बटन ऐसे प्रेस हो जाएगा, तो इससे यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं इसका। ओके, तो हमने अभी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे LED ग्लो कर रहा है और साथ में मैंने ये बटन प्रेस कर रखा है, तो जैसे ही वर्कर ये हेलमेट पहनेगा तो ये बटन प्रेस होगा एंड LED ग्लो करेगा, मतलब कि अभी ओके इन्वायरमेंट है। ये LED ग्लो करेगा, ओके इन्वायरमेंट है, तो ये हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इन्वायरमेंट ओके है। एंड जैसे ही मैंने बटन प्रेस करा है तो मतलब वर्कर ने हेलमेट पहना हुआ है, तो यहाँ पे वर्कर का जो भी वर्किंग टाइम है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे अभी दिख रहा है, तो इस टाइम के हिसाब से वर्कर को पैसे मिलते हैं और उनकी सैलरी ऐसे काउंट होगी। एंड ये एक सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी है कि पूरे वर्किंग के टाइम में वर्कर जो है ये हेलमेट पहन के रखेगा, तो इसलिए हमने ये लॉकिंग सिस्टम लगाया है। तो जैसे कि अच्छा थोड़ा सा वर्किंग, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि MQ सेंसर लगाया है जो कि हजार गैसेस डिटेक्ट करेगा, तो गैसेस डिटेक्ट करने के लिए मैंने अभी हाथ पे सैनिटाइज़र लगाया है। तो जैसे ही मैं ये हाथ रखूँगी